वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश मुंदड़ा, मास्टर सीबीएसई से। और आज हम देखने वाले हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म जो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है जो आज ओवर हो जाएगा ये वीडियो के साथ में। इसके एक्सरसाइजेस के बारे में और क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लाइव सेशन में डिस्कस वैसे करने वाले। अब जहां तक बात है डिसेंट्रलाइजेशन के वर्ड की, इसका मतलब होता है कि पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को देना। मतलब व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसकी जरूरत क्यों है? बिकॉज इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। यहाँ पे दो से ज्यादा टायर की अरेंजमेंट क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज हमारा एक एक स्टेट यूरोपियन एक कंट्री के बराबर है। उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो रशिया से ज्यादा है, महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है। इवन मतलब एक एक स्टेट बहुत ज्यादा डाइवर्स है, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत सारे टाइप के रिलीजन माने जाते हैं, बहुत टाइप के कल्चर है। और इसीलिए हर लोकल लेवल पे जहाँ पे कल्चर एटलीस्ट सेम हो वहां पे तो भी थोड़ा सा पावर दिया जाए। इसीलिए हमने थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को लाया जो सेंट्रल, स्टेट और अब ये लोकल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। और ये जो लोकल गवर्नमेंट हमने लाई इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहा है। बिकॉज इसकी नीड क्यों बड़ी? बिकॉज मैंने इसके पहले बताया है कि बहुत ऐसे लोकल इशू है वो जो लोकल लेवल पे अगर सॉल्व हुए तो ही उसके बेस्ट सेटलमेंट हो सकती है। बिकॉज पीएम को ये नहीं पता कि आपके रोड, आपके गांव में रोड है या नहीं, वो सिर्फ आपको ही पता रह सकता है। आपके गांव में पानी है या नहीं ये आपको ही पता रह सकता है। तो वो लोकेलिटी के लोगों को वहां का बेहतर नॉलेज रहता है, वहां के प्रॉब्लम का बेहतर नॉलेज रहता है, इसीलिए उनके हाथ में पावर दिए जाना ये बहुत जरूरी है। एंड कि वो वहां के लिए बेस्ट डिसीजन ले सके, वहां पे जो पैसा खर्चा होने वाला है उसको कैसे मैनेज करना है इफिशियंटली वो उसको देखे, ठीक है ना। बट इससे क्या होता है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है जो डेमोक्रेसी का स्पिरिट भी है, राइट। मतलब डेमोक्रेसी में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के लिए ही तो हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और लोकल लेवल के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमको हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, इसलिए इसकी जरूरत है। और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, बट बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए विलेज और टाउन्स तक मतलब डिसेंट्रलाइजेशन पहुंचाने के। पंचायत विलेज में सेटअप किए गए, म्युनिसिपैलिटीज अर्बन एरिया में सेटअप की गई, बट इसका डायरेक्ट जो कंट्रोल था मैक्सिमम टाइम स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में ही था, जिसके वजह से यहाँ पे लोकली बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन नहीं हो पाते थे, और यहाँ के पावर्स और यहाँ पे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। और इससे जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो बहुत कम उसकी इफेक्टिवनेस से गांवों तक पहुंच पाया। बट एक मेजर स्टेप लिया गया 1992 में जब स्टेट इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुई, बेसिकली 1991 में हुई। 1992 से सारे जो ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी है, यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शन होना शुरू हुए। इसमें जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इवन अदर बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीट रिजर्व रखना शुरू हो गए। इसमें 1/3 जो प्लेसेस है वो विमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई। इनका एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसको मैंने बोला है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट लेवल पे पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन करवाता है, और स्टेट गवर्नमेंट को अपने जो रेवेन्यू है ये एरिया से आने वाला वो इनके साथ में शेयर करना पड़ता है। तो इस वजह से, और ये रेवेन्यू शेयरिंग कितना होगा ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, और इस वजह से ये जो हम जो बता रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन 1992 के बाद में बेहतर हो पाया, बट इसमें अभी भी बहुत खामियां हैं, वो हम आगे देखेंगे। वैसे रूरल एरिया में ये जो मॉडल है इसको पंचायत राज बोलते हैं,
यहाँ पे हर विलेज को या एक ग्रुप ऑफ विलेज को एक पंचायत दी जाती है जिसके सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम पंच बोलते हैं, और इनका जो हेड होता है इनको सरपंच बोलते हैं, जो पंच इलेक्ट करते हैं हमारे हम मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, और सरपंच को वो ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में एक व्यक्ति को किया जाता है जो एंटायर विलेज के फिर डिसीजन लेता है, ठीक है। और ये पूरा जो पंचायत राज है ये एक चीफ के सुपरविजन में चलता है जिसको ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा को एटलीस्ट साल में 2 या 3 बार बुलाना मैंडेटरी है, और जो बजट है ग्राम पंचायत का वो सिर्फ ग्राम सभा के आगे पेश होके इसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इससे लोकल लेवल का विकास करने में उनके लोकल लोगों की भागीदारी होगी। बट इसमें और कुछ प्रोविजनिंग भी है कि कुछ ग्राम पंचायत मिलके, कुछ ग्राम पंचायत का ग्रुप मिलके पंचायत समिति की स्थापना हुई है, मतलब कुछ ग्राम पंचायत मिलके उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत समिति में चुने जाते हैं। पंचायत समिति मतलब कुछ ग्राम पंचायत का हेड ऑफिस। और इसके बाद में बहुत सारी पंचायत समिति जो जो भी डिस्ट्रिक्ट में होगी वो सारे मिला के बनती है जिला परिषद। वैसे तो जिला परिषद में वो लोग इलेक्ट होके जाते हैं जिनको हमने ग्राम पंचायत में इलेक्ट करके दिया है, वही जिला परिषद का मेंबर भी चुनते हैं। बट इसमें वहाँ के लोकल एमएलए, वो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एमएलए होंगे, वहाँ के एमपी, वो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एमपी होंगे, ये सारों का पार्टिसिपेशन, वो उनका मेंबरशिप जिला परिषद में हमेशा रहता है। और जिला परिषद का जो चेयरपर्सन रहेगा वो ही पॉलिटिकल हेड रहेगा, मतलब जिला परिषद का मतलब जो उनका चेयरपर्सन रहेगा वही पॉलिटिकल हेड रहेगा। सिमिलरली ये तो बात होगी गांव की, बट जो बड़ी बड़ी सिटीज है जैसे नागपुर हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, यहाँ पे म्यूनसिपालिटी की स्थापना की गई है। म्यूनसिपालिटी जैसे नागपुर में एनएमसी है, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वैसे कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। और ये वापस इलेक्टेड बॉडी मतलब हम ही इनके वार्ड मेंबर को चुन के देते हैं, और फिर इनका जो हेड रहता है उसको हम बोलते हैं मेयर, जो म्यूनसिपालिटी का हेड रहेगा। और ये सिस्टम इतनी, आप एक बात समझिए कि 1992 के बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुआ इतना लार्ज एक्सपेरिमेंट था कि इसमें 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम हर साल चुनते हैं, मतलब ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटीज में। ये इतना बड़ा नंबर है जो एक आधे कंट्री के पॉपुलेशन से भी बड़ा है। इसके वजह से हमारी डेमोक्रेसी रूट ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने में हेल्प हुई है कि हमारे जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव से शेयर कर सके, और हम हमारी डेमोक्रेसी का वॉइस बन सके। वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो डेमोक्रेसी में बढ़े, बिकॉज ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटीज में 33% जो रिजर्वेशन दिया गया है वो वुमेन्स को दिया गया है। बट सम बहुत सारी डिफिकल्टी है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि बहुत सारी डिफिकल्टी है कि इलेक्शन तो रेगुलर होने लग गया, बट जो ग्राम सभा है या म्यूनसिपालिटी की में जो बैठक होनी चाहिए, जिसको हम पंचायत राज में ग्राम सभा का नाम देते हैं, वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होती है, जिसके वजह से लोगों के प्रॉब्लम पहुंच नहीं पाते हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा पावर अभी तक ग्राम पंचायत के हाथ में नहीं दिया गया है। ये हमारे मतलब ड्रॉबैक्स तो है, इसीलिए हमको सेल्फ गवर्नमेंट के तरफ, मतलब जब हम हमको खुद को अपना सेल्फ गवर्न कर पाएंगे, इसके तरफ जाने के लिए अभी भी लॉन्ग वे बाकी, ठीक है ना। तो इसी वजह से मतलब ग्राम पंचायत को एडिक्वेट रिसोर्सेस ना देने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट की वजह से पास से, इसी वजह से हम हमारे सेल्फ गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के। मैंने दो ड्रॉबैक आपको बताया कि एक इलेक्शन तो रेगुलर होते हैं बट ग्राम सभा रेगुलर नहीं होती, और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी भी उतना पावर या उतने रिसोर्सेज ग्राम पंचायत के लिए अलॉट नहीं किए हैं, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा अपर हैंड होता है। तो ये था हमारा चैप्टर, दैट इज फेडरलिज्म। और हम इसके एक्सरसाइज या जैसे मैंने बताया इसके जो क्वेश्चंस का डिस्कशन रहेंगे या जो भी दिक्कतें आपको आएगी वो हम लाइव क्लासेस में देखेंगे।
तो थैंक यू वेरी मच। मैं हम देश मिंगा मास्टर सीबीएसई से अगला चैप्टर हम जल्दी पढ़ें।